चेंज हो गया. सही सो ओवरऑल बहुत अच्छा था. और मेरे रूममेट थी एक डेबी अच्छा और ग्रेट एक थी सूजी. सो अच्छा दोनों बहुत अच्छी थी. एक तो साउथ अफ्रीका की थी सही तो बहुत अच्छी, एक अच्छा नीग्रो ग्रेट थी. सो शी सही वॉज लाइक शी वॉज टॉल मोर देन मी. अच्छा वाह हाँ सो हमारा इजी हो गया था कि हम एक दूसरे के कपड़े मजा शेयर कर लेते आता थे, जूते शेयर कर लेते सही थे. और लोगों जबरदस्त के लिए बहुत वो चेंज होता था कि हाँ ऑब्वियसली आप नहीं करते ना सही अपनी चीज़ें बिल्कुल एक्सचेंज, तो हम लोग कितनी कर लेते थे. तो अच्छी बात वो है बड़ा मतलब मज़ा आता था. सही तो वो अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में है और पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगी, या अगर अच्छा मैं जाऊंगी तो ऑब्वियसली मिलेंगे. जबरदस्त। यहाँ पर हम एक और कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जमील भट्ट बोल रहा हूँ जी, आरे वाला से. क्या खैरियत हाल जी? है जमील साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से जी। अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, आज की जो मेहमान, उनसे मैं एक दो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपका जरूर गरबा से. जरूर अच्छा, एक अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा, जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, आपको जवाब दे दिया उन्होंने। मुझे आवाज. अच्छा, मैं तो एक तो आसपास से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहली तो बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान का नाम 35 ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने. एक तो ये मैंने पूछना है, जब मिस पाकिस्तान बनी है ये, तो उन्होंने क्या महसूस किया है? दूसरा मेरा ये क्वेश्चन, अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इनको ऑफर करे तो ये क्या करेंगी? अच्छा ठीक है, थैंक यू जमील भट्ट साहब। वैसे हम इस पर थोड़ी बात कर चुके हैं, दोबारा से ऑब्वियसली आपकी दोनों हाँ के क्वेश्चंस है जवाब ना मैंने दे जवाब दे दिए चुके हैं। सही कि फीलिंग्स के लिए तो आई जस्ट वुड से थैंक्स गॉड एंड सही बात थैंक्स है टू माय मॉम, सही एंड आई बात डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट सही फीलिंग बात एक्चुअली, है सो डोंट बिल्कुल आस्क मी. बिल्कुल, वो बता ही नहीं सकते वो जो फीलिंग्स होती हैं। वाकई इतना बिल्कुल. बड़ा टाइटल आफ्टर ऑल आपने जीता था। अच्छा अब मुझे एक बात ये बताएं कि जब आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, जब आप टीवी पर आते हैं, मॉडल्स शोबिज़ की दुनिया में आ जाते हैं, तो लाइफ मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ऐसा है? मुश्किल तो नहीं हो जाती, बट सम टाइम यू नीड स्पेस, सही सही यू वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम जस्ट विद योर सेल्फ और जस्ट विद योर फ्रेंड्स. बिल्कुल और मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है हाँ, कि वो टाइम नहीं दे कहेंगे कि सकते, नहीं, टाइम देंगे, मतलब कहीं जाना है तो आई वुड से कि घर बैठ घर जाओ बैठ जाओ और यहाँ पे जो मर्जी करो, सही बट मुझे बाहर मत लेके जाओ. सही और जहाँ जाओ ना कोई जानने वाला मिल जाता है. अभी रात को ही मैं शूट से वापस आई, वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट कॉल सही मी के रॉक कैफे आ जाओ ना. अच्छा मुझे नहीं आना वहाँ, कोई ना सही कोई जानने वाला मिल जाएगा, सही लाइक नहीं तुम आओ. और सही मैं गई हूँ तो वही दो तीन लोग मिल गए वहां पर, पिक्चर्स बन सही रही है ये वो. मैंने कहा मैं निकल रही, मैंने सही तुम्हें बात मैंने है मना वाकई। किया था, अच्छा ये ऐसा वाकई बहुत होता है. मुश्किल हो जाती है अस्मा, कि जब आप इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी एक फिगर बन जाते हैं, हाँ पब्लिक फिगर, तो उसके बाद ये होता है कि आपको 10 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आप भी आम लोगों की तरह हैं, आप भी फ्रेंड्स हाँ के साथ जाएंगे, बर्थडे पार्टीज भी अटेंड करेंगे, गेट हाँ टुगेदर्स में भी जाएंगे, हर चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है। एग्जैक्टली. आप शीशा कुछ पी लिया हो जी, शीशा पीती है ये तो, आप ये कुछ हाँ हाँ मतलब वो देखना और इस तरह से. हाँ और तुम्हें पता है, हमने उसको वहां देखा हाँ था, शी वहाँ वॉज वो ये कर रही, बिहेविंग लाइक दिस, जबकि वो वो कर रही नॉर्मली थी, काम कर रही उसने ये होगी। पहना हुआ था. सही हालांकि मैंने देखा कि आप पार्टीज में जाओ तो मेरे ख्याल में हमसे सही ज्यादा कुछ ऐसे ड्रेसेस बिल्कुल, मैं होते वही सोच रही हैं. होती हूँ कि बेचारे वो ऐसे ऐसे हाँ सीन देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग बिला वजह में जो है ना वो लोग पीछे एग्जैक्टली. पड़ ऑब्वियसली जाते हैं, तंग बिकॉज करते हैं। वी आर पब्लिक सही प्रॉपर्टी, बिल्कुल सो बिल्कुल, उसमें तो ऐसा होता ये ही तो है. है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अब फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, कहाँ देखती हो अपने आप को आज से 10 साल के बाद? 10 साल के बाद तो ऑब्वियसली एक एज बढ़ जाएगी नहीं अभी तो और बहुत सब टाइम है, अभी तो कुछ. बहुत टाइम है इंशाल्लाह ऐसे ही अपने आप को काम करते देखती हूँ, काम करते बिकॉज हैं। एक्टिंग में अगर ब्रेक आएगा या मॉडलिंग में सही आएगा तो डायरेक्शन नहीं मैं छोड़ सकती. सही वो तो एक अंदर मेरे जो एक पैशन है वो तो कभी खत्म नहीं हो सही सकता. डायरेक्शन और मॉडलिंग सब किस चीज को आगे तक लेके जाना चाहती हो? मॉडलिंग को नहीं, मुझे इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलने में साथ बहुत लेके मज़ा आता है चलना कसम सही से. ऐसे लगता है कि चलो ग्रेट कंप्लीट कार ड्राइव कर रही हो लाइफ अच्छा जबरदस्त। की. अच्छा मुझे बताओ ना, इतने अच्छे अम्मा ड्रेस डिजाइन करती हैं, उसके अलावा इतने सारे हमारे डिजाइनर्स हैं, तो कौन सा फेवरेट डिजाइनर है जिसके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टोल्ड यू एज आई टोल्ड यू बिफोर हाँ के बिल्कुल आर डिजाइनर्स आर नॉट है ना, कोऑपरेटिव विद बिल्कुल भी मी नहीं है, बिफोर. मुझे भी बड़ी सो शिकायत है एग्जैक्टली. वैसे सो काम ऑब्वियसली सबका अच्छा है और हाँ मार्केट में जब आप काम कर रहे होते हाँ हैं, बट ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, सही लाइक मुझे होता है आई यूजुअली प्रेफर टू वेयर जीन्स एंड सही टॉप्स. तो वो जब मैं बाहर जाती हूँ तो अपनी कैजुअल इतनी शॉपिंग कराती सही हूँ, बात या है मेरे भाई ने आना हो तो ही जस्ट गिव मी अ कॉल के सही लिस्ट बता दो क्या क्या सही, चाहिए. बाकी वो तो ज्यादा इजी टू हाँ, वेयर, वो सो कंफर्टेबल ऑब्वियसली होता बाकी जो होता है ज़्यादा अम्मा करती हैं या फिर डिज़ाइनर से जो सही। भी मिल जाए. अच्छा मॉडलिंग की अगर बात की जाए, तो इतने सारे मॉडल्स के साथ काम किया होगा, सबसे ज्यादा अच्छा एटीट्यूड किसका लगा और कौन सी फेवरेट मॉडल है लगता है जो प्रोफेशनल भी हो?
मैंने एक दो पेरिस की मॉडल्स के साथ काम किया था. एक थी लेडी सोनो, वो भी वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेंट थी हमारे उसमें. शी वॉज वेरी गुड एंड पाकिस्तान में ऑब्वियसली सभी अच्छे हैं. आई बिलीव इफ यू आर गुड एवरीबॉडी इज गुड विद यू. कोई एक तो होता है ना आपका फेवरेट. सीरियसली आई एम गुड विद एवरीवन. आई एम स्वीट विद एवरीवन. मतलब बात भी करो. और अक्सर ऐसा होता है कि मेरा ये बिहेवियर काफी लोगों को गलत फहमी में भी गलत गलत फहमी जाती है. पाकिस्तान में यही होता है कि आप अच्छे से बात होते हैं. सही बात है कि वो उसको गलत तरीके से सोचते हैं कि क्या वो इतनी फ्री हो रही है तो बहुत. मतलब आई एम वेरी फ्रेंडली. मुझे कोई भी मिले तो आई वाज लाइक स्माइल देना. और इस तरह से मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी कि आपको इतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए. एंड सेकेंडली रिलेशन डजंट मैटर कि आपका फ्रेंड किस लेवल का है. मैं अपने फ्रेंड को एक एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर तुम मुझे एक चाय वाला है ना और तुम मुझे कहोगे ना कि ये गरीब बंदा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं उसको अपना दोस्त बना लूंगी. बिकॉज मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सब बराबर होने चाहिए. बिकॉज हमारे लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है. डिफरेंसेस. सो एंड आई वांट बीइंग अ मुस्लिम वी कैन इसको खत्म करें हम लोग और एक अच्छे मुस्लिम की तरह बिहेव करें. बैलेंस रखें लाइफ में. बिल्कुल. अच्छा अब मेकअप की अगर बात की जाए तो अब मेकअप किससे करवाती हो? मेकअप का शौक है या फिर बस घर जाके मेकअप वेकअप पोछा और बस कैजुअल रहने में ज्यादा मजा? बेसिकली आई एम वेरी कैजुअल पर्सन. जब मुझे मेकअप के बिना मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कोई कॉल आई थी कि आप आ जाए, सीरियल है, ऑडिशन है, मिलना है वो, तो आई वॉन्ट प्रेफर मेकअप. सो ऐसे चली जाती हूँ. लाइक आपको तो हमने उस एड में देखा था, आप वही? तो मैंने कहा हाँ वही हूँ. मुझे ये बात समझ नहीं आती, लोग कहते हैं वो मेकअप करके खूबसूरत, जो खूबसूरत है वही खूबसूरत नजर आएगा. ऐसे तो मेजर फीचर्स थोड़े हाईलाइट हो जाते हैं, एनहांस हो जाते हैं. और वैसे मेकअप का जो है मैं रिजवान से ही कराती हूँ. कुछ भी हो जाए, अभी भी जैसे कॉल आई थी कि आप 1 बजे आ जाए, नो मैं रिजवान से मेकअप करा के तो मैं आ जाऊंगी. अच्छा, तो वही होता है कि मेरे कहीं बाहर भी शूट्स हो तो उन्हीं को ही वही जाते हैं साथ. अच्छा, सब कुछ. अच्छा मुझे बताओ कि खाने पीने में क्या एहतियात करती हो? बिकॉज जब आप मॉडल होते हैं तो उस वक्त तो आपको बहुत ज्यादा एक भी एक्स्ट्रा पाउंड आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि चढ़े. किस तरह से मेंटेन करती हो, क्या ख्याल करती हो? सीरियसली कभी कुछ नहीं सोच खा, मतलब रुका नहीं खाने से, अपने आप को कभी नहीं रोका और सब कुछ खाती हूँ. बट ये होता है कि दिन में एक दफा कुछ भी जो मील लेना होता है एक बार लेती हूँ और लिमिटेड सा लेती हूँ कि इतना खाओ कि बस बिल्कुल ओवर ईटिंग नहीं. सो दैट्स इट. अच्छा, और वर्कआउट वगैरह? वर्कआउट हाँ सुबह में, आजकल तो बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा. लेकिन सुबह में बस 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा मेरे में कैपेसिटी. बिकॉज मैं बोर हो जाती हूँ सीरियसली. मैं अपनी अम्मा को कह रही थी कि मैंने ऊपर, मेरी अम्मा ने सारा मेरा मतलब बनाया हुआ वर्कआउट और मशीन वगैरह रखी हुई. तो आई वाज लाइक घर में होता है तो इस्तेमाल ही नहीं होता. नहीं मैंने कहती हूँ सब कुछ ला के टीवी लाउंज में रखे. वो कहती क्यों? मैंने कहा मैं ऊपर अकेली बोर हो जाती हूँ वर्कआउट करते, तो आप सामने घूम रही होंगी तो जल्दी टाइम. वर्कआउट करना बहुत मुश्किल काम है और मैं ज्यादा, अगर कोई स्पोर्टी काम हो तो वो ज्यादा मजा आता है. बास्केटबॉल भी खेलती हूँ. बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं फिर से स्टार्ट कर दूं. लेकिन हमारे यहाँ पे एक्चुअली ना कवर्ड कोर्ट्स नहीं है. सही, बिल्कुल. वो फिर आपकी स्किन खराब हो जाती है सनलाइट की वजह से और सब कुछ, तो इस वजह से फिर मैं करती हूँ. हाँ बिल्कुल, कलर आपका डार्क हो जाता है, टैन हो जाता है सर. तो इसलिए बस मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है अभी. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है, जो लड़कियां, बहुत लड़कियां जो मॉडलिंग में आना चाहती हैं, मॉडलिंग की इस फील्ड में, तो क्या मशवरा दोगी कि किस तरह से वो आए, क्या करें? किस तरह से आए? आई थिंक जहां तक जो मेरा सफर है अभी तक, सब कुछ लक पे होता है. बिकॉज आपको कितने बड़े मर्जी कॉन्टेक्ट मिल जाए, और पाकिस्तान में स्पेशली हमारे ये प्रॉब्लम है कि कोई सपोर्ट नहीं करता. सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि ये जितने हमारे बैठे हुए ना एजेंट्स बैठे हुए हैं या जितने बड़े ये बैठे हुए कोरियोग्राफर्स, वो आपको कभी मौका नहीं देते आगे आने का. उनकी अपनी सिलेक्टेड मॉडल्स होती हैं, वो उन्हीं को ही काम देते हैं. और आपको सब कुछ लक पे बिलीव करें और लक पे छोड़ दें. सही, अपने तौर पे जितने हाथ पांव मार सकते हैं हमारे. ठीक है इसमें, बहुत शुक्रिया, मजेदार गुफ्तगू हुई. और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है. आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.